ये मसल बैंड। यस माता जी, ऐसे पूरे ही लंबा एक बाल वाला आपने स्टाइल मारा हुआ है कि आप अब आजादी सोच रहे हैं किस तरह मिले। आजादी जो है वो हमारे फालूदा में ही है। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं आप? अच्छा, ये मछली कौन सी अभी आपने लगाई है? बाम। और ये रहू। अच्छा, तो ये इनके पास बाम है, ये रहू है, और ये इनके पास चिकन के लेग पीस हैं, और इधर आ रहे हैं ये बैंगन और ये मिर्चें हैं। मिर्चें तो बड़ी मज़ेदार होती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो है ना, इनके ये पकौड़े वगैरह बन रहे हैं, और यहाँ पे इनका फुल असली निज़ाम चल रहा है, चपली कबाब। इनके पास चिकन और ये बीफ वाले होते हैं, ये पिशावरी डिश होती है चपली कबाब। तो ये खान साहब इधर स्पेशली लगा के बैठे हुए हैं, अभी इनके पास हम स्पेशल खाने आए हैं। तो हाँ जी भाई, पहुंच चुके हैं, मेरे साथ है मुरसिल और हमजा। कैसे हैं आप दोनों? तो ये है अपने खान साहब के चपली कबाब। मुरसिल भाई स्पेशल हमें इधर लेके आए हैं कि ये हमने ट्राई करने हैं। कहते हैं 2009 में मैंने लास्ट टाइम ट्राई किए थे और अब आके हम ये खाएंगे। असल में हमने 2009 में खाया था, और फिर मैं इनको रस्ते में बता रहा था कि अब हम जो है ना 2009 के बाद चुकी जो मट्टी पड़ चुकी है ना, वो अब जाने जा रहे हैं, तो वही अब करने आए हैं। यहाँ पे खाते हैं, ट्राई करते हैं और इसका रिव्यू करते हैं आपके साथ। खान साहब मुझे बताइएगा, ये जो बाम फिश है इसका क्या रेट है? 1200 रुपए। 1200 kg है जी। और ये रहू? ये 900 रुपए। 900 रुपए। और ये लेग पीस? 220 का लेग, चेस्ट लेग और चेस्ट दोनों। और ये पकोड़े हैं? ये 120 के पाव। 120 के पाव। और बैंगन आलू स्लाइस 20 रुपए का एक है। 20 का एक है, ठीक है। और मेनली जो चपली कबाब है बीफ 90 का बीफ का, और चिकन 100 का। 100 का जी। चार चपली कबाब कर दें बीफ वाले, और इसके अलावा 5-6 ये बैंगन कर दें, और 2-3 हरी मिर्चें कर दें, ये कर दें फिलहाल। पहले अभी ये ट्राई करते हैं हम। हाँ जी, इधर ही हम खाएं। हाँ जी भाई, ये भी चटनी ट्राई करो फिर। अल्हम्दुलिल्लाह अपना खाना आ चुका है, और इधर इनकी सेटिंग जो है ना वैसे ही, अभी आपका भाई खाता है, ट्राई करता है और आपको भी खाता है। बिस्मिल्लाह करते हैं। अपना पहला निवाला इन जान दो, पहला निवाला अपना चपली कबाब के साथ ट्राई करते हैं। टेक्सचर जो आ रहा है इसका क्रिस्पी सा है, मज़ेदार सा लग रहा है, ट्राई करते हैं। और ये साथ इनकी चटनी है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वाला ला लेता बड़ा ही मज़ेदार है। एक और वाला ट्राई करते हैं। जो चपली कबाब की अपनी एक खुशबू, एक जायका सा होता है ना, वो आ रहा है। और मैंने एक ही बारी मेरे ख्याल से स्वाद में ट्राई किए थे, और बिल्कुल वैसे ही इनका ना अभी फ्लेवर वगैरह आ रहा है सब। ज़बरदस्त किस्म के मसाले हैं, ना कोई नमक तेज है ना कुछ, और चटनी भी बड़ी स्वादी। ये अभी हमने इनके मंगवाए थे बैंगन। हाय हाय, बैंगन आपको पता है बहुत ही मज़ेदार होते हैं, और भाई तो इनका शदाई है, ये ऐसे ही ट्राई करते हैं। ये आगे इनकी हरी मिर्च, इसे खोल के भी देखते हैं, अंदर इन्होंने ऐसे मसाले भरे हुए हैं, ऊपर बेसन है,
ये भी चटनी के साथ लगा के ट्राई करते हैं। कोई इतनी स्पाइसी वगैरह नहीं है, बहुत नॉर्मल किस्म की है। या मुझे वैसे ही बड़े मसाले पसंद हैं तो मुझे इतना पता नहीं लगता। और आखिर में ये आ गए इनके ये पकोड़े, आलू के पकोड़े हैं, साथ इन्होंने बेसन प्याज सूखा धनिया इस तरह की इनके अंदर वैरायटी है। इनमें भी कोई इतना तेज मसाला नहीं है, नमक भी कोई इतना तेज नहीं है, बड़ा ज़बरदस्त है। तो चलो अब मुरसिल भाई को भी खाने देते हैं, अभी कैमरा फाड़ फाड़ के इन्हें भी उन पास हो। अच्छा अब जो वैरायटी मैं ट्राई करने लगूंगा वो ये बैंगन, बैंगन के साथ आएगा ये चपली कबाब। ये मैंने अभी ट्राई किया था, ये कॉम्बो मुझे मज़ेदार लगी, मैंने पसीने छुटवा देते हैं इसमें। पसीने छुट गए ने, आप अंदाज़ा लगा लो कितना मज़ा आया। तो जो खाने का सीन था उसमें चपली कबाब जो थे वो बड़े मज़ेदार थे, ऊपर से क्रिस्पी थे और कोई इतना स्पाइसी नहीं थे, क्योंकि साथ इन्होंने जो चटनी दी हुई थी उसके साथ सीन बड़ा मज़ेदार था। ये चटनी के अंदर चिली फ्लेक्स और कोई और भी, यानी कि मूली और पता नहीं क्या क्या आलू बहारा या इस तरह की वैरायटी डाली होती है, जिससे बहुत मज़ेदार टेस्ट हो जाता। और इसके अलावा जो मिर्चें थी वो भी बड़ी मज़ेदार थी, कुछ जो मिर्चें थी वो इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं निकली और कुछ ने सूसू निकाल दी। और बाकी बैंगन वो भी बहुत ही मज़ेदार थे, और जो पकोड़े थे आलू के जो पकोड़े थे वो भी, यानी कि उसमें नमक बहुत ही कम था, वो आपने स्पेशली चटनी के साथ ही लगा के खाने। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना खाना वगैरह खा लिया है। और अब मुरसिल भाई ने कहा मीठे के लिए ना हमने जाना है, किधर जाना है हमने? फलूदा खाने। तो चलो फलूदे पे चलते हैं। 820 बिल बना था और खान साहब ने वैसे सिर्फ 600 रुपए लिए हैं, हमें प्यार मोहब्बत के साथ डिस्काउंट भी दिया। तो इंशाल्लाह खान भाई नेक्स्ट टाइम थोड़ा मौसम अच्छा हो जाएगा तब मछली भी आके ट्राई करें। मुरसिल भाई, यस बाका जी, ये बताएं कि हमें रास्ता थोड़ा बताएं, डायरेक्शन बताएं कि अगर हम मैन्युअली आते हैं तो वो किस तरह। अच्छा, रास्ते का ये सीन है गाइस के हम काफ़ी जगहों पे खाने के लिए जाते हैं तो लोग ऑफ कोर्स हमसे पूछते हैं कि यार आप लोग कैसे पहुंचे उस जगह पे। ठीक है, अक्सर लोग जब पहुंचते हैं उनको नहीं जगह मिलती, तो मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ। ये मेरे बैक साइड पर आपको गोल चक्कर नज़र आ रहा है मेन मार्केट का, ठीक है। यहाँ पे शेजान है, बेकरी आपको मिलेगी, सामने जलासंस है, ठीक है। आपने सबसे पहले ढूंढना है जायकर तिक्का, ठीक है, जाकिर तिक्का नहीं, जायकर तिक्का। आपने जायकर तिक्के के साथ बराबर में है कराची नसीब बिरयानी, ठीक है। कराची नसीब बिरयानी के बिल्कुल सामने एक बोर्ड लगा हुआ है जो कि बिल्कुल गली के अंदर आपको लीड करेगा, और लेफ्ट साइड पर आपको नज़र आएगा हाजी हान बाबा के चपली कबाब अल मशहूर। अच्छा, तो प्लान हमने किया था फलूदे का, ये क्या लेके आ रहे हो? ये थोड़ा सा प्लान में थोड़ी सी तब्दीली आई है, क्योंकि तब्दीली जो है वो आपको पता है कि बहुत जरूरी है पाकिस्तान में तब्दीली। तो अब हमने लिए हैं बहुत ही मजे मजे के, गेस करें। यम यम यम, गेस करें जी। क्या है वैसे? रसमलाई। रसमलाई रसमलाई चाशनी की हमारा अंदर किधर अमदाद आज नहीं आप कल ही आए आगे हमदा अनबॉक्सिंग दिखानी है प्रॉपर तरीके से। ये है ये अपनी चाशनी की रसमलाई है, ये देखें जी ये इसकी अनबॉक्सिंग, डोल ना जाए पास में। ये एक रसमलाई निकाल के दिखाते हैं जी, हाय 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 हाय, मैं तो उड़ाने लगा हूँ पूरा एक ही गोला।
पूरा कैप्सूल अंदर ही जा रहा है। चलो इकट्ठे तीनों करते हैं, चलो इकट्ठे खाते हैं। आ जाओ फिर। गोला चैलेंज, गोला चैलेंज, गोला चैलेंज जी। कैप्सूल ऐसा करते हैं, एक दूसरे को खिलाते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप, मैं आपको खिलाऊंगा, आप हमदा को खिलाना और हमदा आपको। हां चलो 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 भाई, देखो अब मैं क्या करता हूं। चलो लेट्स गो इकट्ठे। ऐसे खाने का तो मजा ही अपना है। लेकिन मैंने आराम आराम से खाना था हरीश, मजे लिए के। यार मस्त ट्राई है, ये लाजमी ट्राई करना, बहुत मदद है। ओ मेरा चुना खाका, खा लो खा लो खा लो। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੈਟੋ ਕਿਹਾ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਬਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ। ਹਾਂ ਬਿੱਲੀ, ਮਿਆਓ ਮਿਆਓ। ਤੋ ਆਜ ਕਾ ਵਲੌਗ ਇਧਰ ਹੀ ਐਂਡ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਮਜ਼ੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਵਾਲਾ ਵਲੌਗ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਿਲੇਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ। ਤਬ ਤੱਕ ਕੇ ਲੀਏ ਆਪ ਲੋਕ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇ, ਆਪਣੀ ਦੁਆਓ ਮੈਂ ਹਮੇ ਯਾਦ ਰੱਖੇ, ਔਰ ਐਸੇ ਹੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਣਾਤੇ ਰਹੇਂਗੇ ਕੰਟੈਂਟ। ਓਕੇ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼, ਜਾਓ, ਬਾਏ ਬਾਏ, ਟਾਟਾ।